हेलो भाज, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता। तो बहुत इजी तरीके से मैं बताऊँगी, बिना मैदा का बनाना बताऊँगी। इसमें कोई मैदा मैं नहीं ऐड करूँगी, बिना मैदा का बता रही हूँ। तो ये लिया है मैंने पैन, और पैन गर्म करके इसमें मैंने डाला है। उसके बाद मैंने गाजर और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, छोटे से छोटा साइज का एक अनियन अच्छी तरीके से उसको भी चॉप कर लिया है। इसमें ऐड करके थोड़ा सा क्रंची कर रही हूँ इसको। 1 से 1.5 मिनट तक के लिए ही फ्राई करूँगी, ताकि इसका क्रंचीनेस बना रहे और खाने में बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। लगातार चलाते हुए मैं बना रही हूँ इसको। गज, हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। नए आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ। मैंने सारा निकाल लिया, फिर से मैंने बटर डाला है, और ये मैंने बनाया है, ये रहे हमारे मूँगफली के दाने, उसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया। इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली भी साथ में ऐड करके इसको पेस्ट बनाया था। मैंने मैदा नहीं ऐड किया है, मूंगफली के दानों से मैं बना रही हूँ आज। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। फिर फीडबैक आप हमको हमारे चैनल पे आके ज़रूर देना। देखिए, इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसमें जिंजर गार्लिक है, ग्रीन चिली है, तो बटर में अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं और फ्राई हो रहे हैं, तो इसके कच्चापन चला जाएगा। देखिए, इस तरीके से लगातार चलाते हुए एक बार ज़रूर बनाइए, कोई मैदा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई अलग से कोई भी चीज़ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखिए 1 कप पानी डाला है, थोड़ा सा डाला इसलिए कि कंप्लीट सूख चुके थे। इसमें पास्ता ऐड करना है, इसका कच्चा पैन निकल गया और अब इसमें हम पास्ता ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने पास्ता उबाल लिया था और ऐड कर दिया है इसमें। देखिए कितना बढ़िया सा खुशबू भी आ रहा है इसमें से, कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो धनिया की पत्तियों को क्रश करके डाल सकते हो, और नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो। जो मैंने रखा था अच्छे से फ्राई करके, गाजर शिमला मिर्च और अनियन को, उसको भी इसमें ऐड कर दिया। देखिए बन के तैयार हो गया हमारा वाइट सॉस पास्ता। मैंने मूंगफली के दानों से बनाया है, मैंने नहीं ऐड किया है इसमें मैदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।